आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर पटना के जदयू कार्यालय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहारवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के वैशाली जिले से जो गणतंत्र शुरू हुआ था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और देश और बिहार पूर्ण रूप से विकास कर रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस अवसर पर, आप सुने। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, तब से हम लोग इस रूप में आज के दिन में गणतंत्र दिवस के रूप में यह त्यौहार मना रहे हैं। और इस अवसर पर गणतंत्र का अर्थ है जो हमारे किसी भी राज्य का जो सत्ता हो, जनसाधारण उसमें समाहित हो और हमारे बिहार जो है पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया। और गणतंत्र जो हमारे वैशाली जो जननी है वैशाली, वहाँ से इसका पूरे विश्व में इसका शुरुआत हुआ। और बिहार में जो मौजूदा सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो उसमें जनसाधारण की सरकार है और पूरे माने हमारा जो आज के दिन इन लोगों को याद करने का दिन है जो हम जो गणतंत्र जो हमारे आज़ादी दिलाई उन लोगों को नमन करते हैं इस अवसर पर और उन्हें याद करने का दिन है। और आज संकल्प लेने का दिन है राष्ट्र और देश को निर्माण करने के लिए और भाईचारा निर्माण करने के लिए, और यही हम लोगों को संकल्प लेने का समय है और देश का विकास राज्य का विकास संकल्प लेने का समय है। छोड़ दीजिए अभी आप। आपने सुना उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार और देश विकास की गति पे है और आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर पूरे बिहार के और देश के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दा एसडी न्यूज के साथ और देखते रहे दा एसडी न्यूज। मैं उमेश शर्मा सचिव बालवाड़ी केंद्र के तरफ से समक्ष बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।